हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रॉचीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास फोर की हिंदी टेक्स्ट बुक की। चैप्टर फोर हमें आज पढ़ना है और इसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं जैसे धार्मिक, बाल्यावस्था, उत्तराधिकारी, स्थापना, विरुद्ध, प्रारंभ, विद्वान, पूजनीय, शौर्य, शूरवीर, कृपाण, अत्याचार, धर्मनिष्ठा, युद्ध, कठिनाइयाँ। अब एक बार इसको पूरे पाठ को हम पढ़ लेते हैं। सिखों के दसवें गुरु। अब सिखों में क्या होता है ना, गुरु होते हैं, तो जो इनके दसवें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अब 22 दिसंबर को तो इनका जन्म हुआ पटना में। गुरु गोविंद सिंह कौन हैं? तो सिखों के दसवें गुरु हैं। इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर सिखों के नौवें गुरु थे। अब इनके जो पिताजी थे वो नौवें गुरु थे और ये दसवें गुरु बन चुके थे। इनकी माता का नाम गुजरी था। गोविंद सिंह जी की माता का नाम गुजरी है। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था। अब बचपन में सभी को छोटे से नाम से बुलाया जाता है, जैसे बड़े होने के बाद तो ये गुरु बने हैं, लेकिन जब ये छोटे थे तो बचपन में इनको गोविंद राय के नाम से जाना जाता था। ये बचपन से ही अपने पिता के साथ आनंदपुर में रहते थे। बचपन से ही पैदा तो हुए थे ये पटना में, लेकिन ये बाद में आनंदपुर में रहने लग गए थे। आनंदपुर में रहकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अनेक धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया तथा अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा ली। हथियार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना भी इन्होंने सीख लिया था और काफ़ी अलग अलग धार्मिक किताबें भी इन्होंने पढ़ ली थी। बाल्यावस्था में ही वह युद्ध के खेल खेला करते थे। अब जब वो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, तभी वो युद्ध जैसे खेल को खेलते थे ताकि उनकी अध्ययन हो जाए, अस्त्र शस्त्र चलाने का उनका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। इनके साहस को देखकर लोग दंग रह जाते थे। अब ये इतने बहादुर थे तो इनको देखकर सभी लोग दंग रह जाते थे। गोविंद राय जब 9 वर्ष के ही थे, उस समय चारों ओर औरंगज़ेब के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। औरंगज़ेब ने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रखे थे लोगों पे, और उस समय गोविंद राय जी सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ष के थे, 9 साल के थे। औरंगज़ेब को सबक देने के लिए इनके पिता शहीद हो गए। अब औरंगज़ेब को उनकी गलती की सज़ा देने की कोशिश करते करते इनके जो पिताजी थे वो शहीद हो गए थे। इनका हृदय बहुत दुखी हुआ। अब अगर आप गोविंद राय जी के पिता शहीद हो गए थे तो गोविंद राय जी को काफ़ी बुरा भी लगेगा। गोविंद राय को उनके पिता का उत्तराधिकारी बना दिया और ये गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बन गए। अब क्योंकि इनके पिताजी शहीद हो गए थे तो फिर लोगों ने इन्हीं को उनका उत्तराधिकारी बना दिया। तो पहले वो भी गुरु थे, इस वजह से इनको भी फिर गुरु की उपाधि दे दी गई थी। तो इस तरीके से तो हमारे गोविंद राय गुरु गोविंद राय सिंह बन चुके हैं। इसके बाद तभी से उन्होंने मुगलों के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करने की प्रतिज्ञा ली तथा खालसा पंथ की स्थापना करके मुगलों के विरुद्ध मोर्चाबंदी प्रारंभ कर दी। अब क्योंकि उनके पिताजी इसी कारण की वजह से शहीद हो गए थे तो इन्होंने जब भी इनको मौका मिलता ये मुगलों के खिलाफ विरुद्ध मोर्चा चालू करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उनका कथन था, अब वो क्या कहते थे, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं, बिलियन ते मैं शेर मराऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सर्वप्रथम इन्होंने 5 वीरों के बलिदान की परीक्षा ली और उन्हें पंच प्यारे नाम देकर 5 विशेष चिन्हों से अलंकृत किया। अब इन्होंने क्या करा, 5 वीरों की एग्ज़ाम लिया, देखा कि वो कितने बहादुर हैं। साथ ही उन्हें दीक्षा भी दी
कि आज से तुम्हारे बीच कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहेगा। तुम केश, कड़ा, कंघा, कच्चा और कृपाण को धारण करके संयम का जीवन बिताते हुए स्वयं का बलिदान करके भी अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहो और कहो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अब इन्होंने क्या करा, उन्हें दीक्षा दी और उनको ये सिखाया कि आज से तुम केश धारण करोगे, कड़ा पहनोगे, कंघा लगाओगे, कच्चा पहनोगे और कृपाण रखोगे और इन सबको कभी अपने आप से अलग नहीं करोगे। चाहे खुद का बलिदान क्यों ना देना पड़े, लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा ज़रूर करोगे। सबसे ऊपर आपके लिए आपका धर्म ही होना चाहिए। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह की के ही कारण सिखों में वीरता का ऐसा संचार हो गया कि एक एक सिख लाख शत्रुओं से मुकाबला करने की क्षमता रखने लगा। अब क्योंकि गुरु गोविंद सिंह इतने बहादुर थे, इनकी वजह से जितने सिख थे सबके अंदर एक क्षमता आ गई कि वो अकेला लाखों का मुकाबला कर सकता है। इस संगठन को देखकर मुगलों के होश उड़ गए। अब क्योंकि जो हमारे सिख भाई थे वो इतने ज़्यादा एकजुट हो गए थे, इनको देखकर जो मुग़ल थे वो बिल्कुल उनके होश उड़ गए कि ये कैसे हो रहा है, इतनी एकता कहाँ से आ गई एकदम से। अचानक मुग़लों ने आनंदपुर पर हमला कर दिया। आनंदपुर वही जगह है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह अपने पिता के साथ रहते थे। तो वहाँ पर मुग़लों ने एकदम से एक दिन हमला कर दिया। सिख वीरों ने उनका डटकर मुकाबला किया। अब जितने भी हमारे सिख थे उन्होंने बहुत वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया। लगभग 6 महीनों तक युद्ध चलता रहा। अब युद्ध भी छोटा मोटा नहीं था जो एक दो दिन में ख़त्म हो जाए। 6 महीनों तक ये युद्ध ऐसा के ऐसा ही चलता रहा। सिखों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अंत में धोखे से गुरु गोविंद सिंह को किले के बाहर बुलाकर मुग़लों ने हमला किया। अब 6 महीने तक युद्ध चला, कोई नहीं हार रहा था, सिख काफ़ी ज़्यादा कठिनाई में भी थे। तो एक दिन क्या करा मुग़लों ने, गुरु गोविंद सिंह जी को धोखे से महल के बाहर बुलाया, किले के बाहर बुलाया और उन पर हमला कर दिया। धोखे को समझकर सिखों ने उनका मुकाबला किया। इस युद्ध में उनके 2 पुत्र अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हो गए। अब एकदम से सिखों को भी पता लग गया कि यार ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, तो उन्होंने भी हमला करना शुरू करा, मुकाबला करना शुरू करा। और उसी मुकाबले में गुरु गोविंद सिंह के जी के जो 2 पुत्र हैं अजीत सिंह और जुझार सिंह, दोनों शहीद हो गए। कुछ सैनिक व इनके 2 अन्य पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह को औरंगज़ेब ने दीवार में चुनवा दिया। अब क्योंकि ये पुत्र थे भाई हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो इस वजह से मुग़लों ने यानी कि औरंगज़ेब ने जोरावर सिंह को और इनका एक और बेटा है फतेह सिंह और कुछ सैनिकों को इनको दीवार में चुनवा दिया था। गोविंद सिंह जी ने धैर्य रखकर किसी तरह वहाँ से निकल गए, मगर मुग़लों से उनका संघर्ष जारी रहा। अब क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी धोखे में थे तो अभी कुछ कर नहीं सकते थे, तो अपना धीरज रखा उन्होंने और वहाँ से उस समय के लिए तो वो निकल गए, लेकिन वो फिर भी मुग़लों से लड़ते रहे। इस बार बदले की आग सिखों में और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने मुग़लों ने इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया, फिर उन्होंने उसके सारे बच्चों को मार दिया, 2 को मार दिया, 2 को जिंदा चुनवा दिया दीवार में, तो सिखों के अंदर जो बदले की भावना थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब अंत में मुग़ल बादशाह भी इनके शौर्य व धर्मनिष्ठा से प्रभावित हो गया। अब मुग़ल का जो बादशाह था उसको भी बाद में ये फील हो गया था कि यार इनमें कितना शौर्य है, कितनी धर्मनिष्ठा है, धर्म को लेकर ये कितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कुछ समय पश्चात ये दक्षिण की ओर चले गए, वहीं गोदावरी के तट पर अपने शिष्य बैरागी के साथ रहने लगे। अब जब बेटे ही नहीं थे तो उसके बाद इन्होंने कुछ समय बाद तो वो जगह ही छोड़ दी और उसके बाद गोदावरी के तट पर वो रहने लग गए थे अपने शिष्य बैरागी के साथ। बैरागी बहुत वीर और विद्वान थे। बैरागी ने इनके 4 पुत्रों को मारने वाले को मार ही कर ही दम दिया था।
अब गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों को जिसने मारा था, बैरागी ने उसे मारा, और जब तक उसने नहीं मारा था तब तक वो चैन से नहीं बैठा था। गुरु गोविंद सिंह शूरवीर ही नहीं अपितु विद्वान कवि तथा महान संत भी थे। अब शूरवीर की हमने कहानी तो एक बार देख ली है यहाँ पे, इसके अलावा वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं, कवि भी हैं और एक महान संत भी हैं। फारसी में उनकी रचना जफरनामा तथा दशम ग्रंथ के अलावा कई हिंदी तथा पंजाबी की रचनाएं उनकी अमूल्य देन हैं। बहुत सी इन्होंने किताबें लिखी हैं, फारसी में जफरनामा लिखा, दशम ग्रंथ लिखा, हिंदी में भी और पंजाबी में भी इन्होंने काफ़ी रचनाएं करी हैं। विशेषतः उन्होंने गुरुओं की वाणी का संग्रह कर एक तार पर तार में पिरोया एवं गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, इसमें उन्होंने सारी गुरुओं की वाणी को संग्रह एकजुट करके लिख दिया, जिसे सिखों का धर्म ग्रंथ माना गया है और इसी को हमने धर्म ग्रंथ माना। जैसे हिंदुओं का रामायण होती है, महाभारत होती है, मुस्लिमों के लिए कुरान होती है, उसी तरीके से जो सिख हैं उनके लिए उनकी धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब मानी गई है। इस पुस्तक में सिखों के व गुरुओं के व महान संतों के ज्ञान उपदेश हैं। जो भी बड़े बड़े सिख के संत हैं, गुरु हैं, वो जो भी बोलते थे वो सारा इस किताब में दिया गया है। इतिहास में गुरु गोविंद सिंह का पूजनीय स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है और लोग इनकी पूजा करते हैं। ऐसे महापुरुष को हमारा नमन है। यह सिखों के अंतिम गुरु हैं। सिखों के अंतिम गुरु यही हैं, इनके बाद कोई गुरु नहीं थे। तभी से सिख गुरुओं की वाणी में से सजी धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को पूजते हैं। अब जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के देहांत के बाद और कोई गुरु नहीं आए थे और इनकी जो पुस्तक थी गुरु ग्रंथ साहिब, फिर इन्हीं की हम लोग पूजा किया करते थे। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, एक बार देख लेते हैं। बाल्यावस्था का मतलब है बचपन, उत्तराधिकारी वारिस, विरुद्ध यानी के खिलाफ, शौर्य वीरता, विद्वान ज्ञानी, संघर्ष लड़ाई, अमूल्य बेशकीमती, अत्याचार जुर्म, बलिदान कुर्बानी, पंथ मार्ग या दिशा, कृपाण कटार, तत्पर तैयार, धर्मनिष्ठा धर्म के प्रति लगन। प्रश्न एक, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ तथा कब हुआ? इसका उत्तर आप लिखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का हृदय क्यों दुखी था? औरंगजेब को सबक देने के लिए इनके पिता शहीद हो गए थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह का हृदय बहुत दुखी था। यह है आपका आंसर टू। पंच प्यारे को गुरु गोविंद सिंह ने क्या दीक्षा दी? गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे को दीक्षा दी के बाद आप लिखेंगे कि आज से तुम्हारे बीच कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहेगा, तुम केश कंडा कंघा कच्छा और कृपाण को धारण करके संयम का जीवन बिताते हुए स्वयं का बलिदान करके भी अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहो। यहाँ तक का आपका उत्तर बन जाएगा। आनंदपुर के युद्ध का वर्णन करो। मुगलों ने आनंदपुर पर हमला किया, सिख वीरों ने उनका डटकर मुकाबला किया। लगभग 6 महीनों तक युद्ध चलता रहा।
सिखों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अंत में धोखे से गुरु गोविंद सिंह को किले के बाहर बुलाकर मुगलों ने हमला किया। धोखे को समझकर सिखों ने उनका मुकाबला किया। इस युद्ध में उनके दो पुत्र अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हो गए। कुछ सैनिक व उनके दो अन्य पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह को औरंगजेब ने चुनवा दिया। यहाँ तक का आपका उत्तर बन जाएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये पूरा आएगा। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता सिखों के 9वें गुरु थे। पिताजी तो 9वें थे, ये तो 10वें गुरु थे, तो 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की माँ का नाम गुजरी था, गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह का बचपन डैश में बीता। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन आनंदपुर में बीता, आनंदपुर में बीता। गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया। औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के शिष्य डैश ने बदला लिया। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बैरागी ने बदला लिया, बैरागी ने बदला लिया। गुरु गोविंद सिंह का इतिहास में डैश स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का इतिहास में पूजनीय स्थान है। ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई गुरु नहीं आया था, अंतिम गुरु थे। सही या गलत का निशान लगाओ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कश्मीर में हुआ, गलत। अपने पिता की मृत्यु के समय ये 9 वर्ष के थे, सही। इनके 4 पुत्र जीवित थे, गलत। अंत में ये दक्षिण की ओर चले गए, सही। गुरु गोविंद सिंह ने दृढ़ता से मुगलों का सामना किया, सही। वाक्य बनाओ। शिक्षा दीक्षा, हमें शिक्षा दीक्षा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। पंज प्यारे, पंज प्यारे को विशेष चिन्हों से अलंकृत किया गया, गया भी लगा दो, किया गया। अस्त्र शस्त्र, रोहन को अस्त्र शस्त्र चलाना आता है। पूजनीय, हमारी माता पूजनीय होती है। निम्नलिखित शब्दों के लिए भाववाचक संज्ञा लिखो। वीर, वीरता। बुद्धिमान, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। व्यक्ति, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। बच्चा, बचपन। विनम्र, विनम्रता। पूज्य, पूजनीय। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।